हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट टू इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टूडेंट पार्ट वन का हो, पार्ट टू का हो या फिर पार्ट थर्ड का हो। और उस प्रिपरेशन के दौरान हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को अपनाते हैं जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ उन तमाम चीज़ों को एक पीडीएफ में भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं और आपको बोलते हैं कि आप लोग अपना मैक्सिमम समय इसी पीडीएफ के ऊपर देना, क्योंकि इस पीडीएफ में हर वो चीज़ दिया गया है जो सिलेबस में मेंशन है और कभी भी एलएनएमयू के एग्ज़ाम में सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन आप सभी का पिछले कई दिनों से बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम आपसे पहले नहीं जुड़ पाए और अब एग्ज़ाम काफ़ी करीब है तो इतना करना संभव नहीं है, तो कुछ ऐसा चीज़ बताइए ताकि हम कम समय में भी अच्छा मार्क्स ला लें। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ही है और यहाँ पे एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताऊँगा, कुछ टिप्स आपको बताऊँगा और ये आपको बहुत काम आएगा। पेपर थर्ड के लिए आप केवल और केवल 4 प्रश्न को तैयार कर लोगे तो समझिए आपका पेपर थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन के लिए अभी हम कंटिन्यू वीडियो तो बना ही रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग यूट्यूब पे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहना, एक्सप्लेनेशन को हम यूट्यूब पे ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वो क्या फॉर्मेट है जिसको अपनाने के बाद आप कम समय में कम क्वेश्चन को प्रिपेयर करके अच्छा मार्क्स ला सकते हो, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स अपना प्रिपरेशन ढंग से कर चुके हैं जिस प्रकार से मैं बताया हूँ वो इस चीज़ को अप्लाई बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सके, ऐसे कुछ करेगा नहीं। तो देखिए आपको पता ही होगा दोस्तों पेपर थर्ड में जो प्रश्न पूछा जाता है वो केवल और केवल 4 टॉपिक से पूछा जाता है। पहला हो गया मैकबेथ, दूसरा जो होता है दोस्तों वो दूसरा होता है 12th नाइट्स, तीसरा होता है सिक्स ट्रूप्स टू कंकर एंड चौथा होता है एडवर्ड सेकेंड। तो इस चारों प्रश्न से, चारों टॉपिक से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 17 मार्क्स का होगा। और देखिए गौर से थोड़ा सुनिएगा जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, होता क्या है लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों, जैसे मान लीजिए 12th नाइट सी हम लेते हैं या फिर कोई अन्य सवाल भी हम ले सकते हैं, जैसे 12th नाइट सी देखिए, तो 12th नाइट्स में जो है ना दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कैरेक्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चन होगा, कैरेक्टर को डिस्कस करने के लिए आपको कहा जाएगा, और एक क्वेश्चन होगा वो फॉर्मल क्वेश्चन होगा जैसे कि डिस्कस प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्ले एडवर्ड सेकेंड, क्रिटिकली एनालाइज द थीम ऑफ द प्ले एडवर्ड सेकेंड, या फिर इवेल्युएट एडवर्ड सेकेंड एज अ ट्रेजिक प्ले, या फिर इवेल्युएट एडवर्ड सेकेंड एज अ हिस्टोरिकल प्ले। तो इस प्रकार से एक प्रश्न फॉर्मल प्रश्न होगा और अथवा करके एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कैरेक्टर का, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, हर टॉपिक में हर प्रकार का कैरेक्टर होगा। जैसे कि पेपर क्वेश्चन नंबर 5 में एडवर्ड सेकंड से गैवेस्टन का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, सेम इसी प्रकार से चौथा प्रश्न जो आएगा सिक्स टू कंकर से, यहाँ पे जो है ना टॉनी लमकिन और केट हार्डकेसल का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, अगर आप अभी तक प्रिपरेशन ढंग से नहीं किए हो तो कैरेक्टर वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल छोड़ देना, कैरेक्टर वाले क्वेश्चन के लिए आप कुछ भी मत पढ़ना। आप करना क्या, जैसे मान लीजिए मैकबेथ हो गया या फिर कोई भी टॉपिक हो गया, तो पीडीएफ में ये जितना भी चीज़ देख रहे हैं आप, चाहे वो मैकबेथ हो, 12th नाइट्स हो, सिक्स ट्रूप्स टू कंकर हो या फिर एडवर्ड सेकेंड हो, इन सभी का पीडीएफ में हम आपको आंसर प्रोवाइड किए हैं जो कि पेपर थर्ड से रिलेटेड ये सभी है। और अभी तक अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ आप ज़रूर ले लेना, स्क्रीन पे जो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है 70 48 92 87 46, इस पर आप मुझे केवल व्हाट्सअप करके पार्ट टू इंग्लिश ऑनर्स पीडीएफ लिख करके मैसेज भेज देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो
करना क्या है दोस्तों, तो पीडीएफ में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि जो फॉर्मल क्वेश्चन अभी मैं आपको बताया उसका भी आंसर दिया हुआ है, कैरेक्टर जो है उसको भी मैं डिस्कस किया हूँ, थीम टाइटल जो है उसको भी हम डिस्कस किया हूँ। तो आप इन सब को इग्नोर करना, केवल और केवल इस चारों टॉपिक यानी मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट्स, शेक्सपियर और एडवर्ड सेकंड, इन चारों टॉपिक का केवल और केवल आप लोग समरी प्रिपेयर कर लेना इंट्रोडक्शन के साथ, केवल और केवल समरी, उस पीडीएफ में अवेलेबल है सारा कुछ, केवल केवल आप समरी को प्रिपेयर कर लेना। और याद रखना, कैरेक्टर वाले का आंसर आप लोग कभी भी नहीं दोगे कोई भी प्रश्न में। जैसे मान लीजिए फॉर्मल क्वेश्चन आएगा इवेलुएट मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, और आप तो केवल समरी याद किए हो, फिर भी कुछ नहीं करना है, करोगे क्या आप लोग, तो सबसे पहले ऊपर में लिखोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद इस प्रकार से आप अंडरलाइन करोगे, और पीडीएफ में हर टॉपिक के लिए मैं इंट्रोडक्शन बताया हूँ, तो इंट्रोडक्शन के बाद आप 2 से 3 लाइन में इंट्रोडक्शन को लिखोगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप 2 लाइन छोड़ना, और उसके बाद आप वही चीज़ लिखना जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, तो इस चीज़ को लिख करके और आप अंडरलाइन कर दोगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो, तो इसी को इंट्रोडक्शन लिखने के बाद इसको इस प्रकार से लिख करके और अंडरलाइन कर दो, और अंडरलाइन करने के बाद जो आप समरी प्रिपेयर की हो, समरी याद की हो 2 पेज 3 पेज का, उस समरी को A to Z जिस प्रकार से मैं लिखा हूँ सेम टू सेम उसी प्रकार से आप लिख दीजिए, आपका 17 मार्क्स में से 14 से 15 मार्क्स आना समझिए तय है, कंफर्म आ जाएगा। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना टाइटल करना है, ना थीम करना है, ना कैरेक्टर करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल आपको समरी याद करना है। सेम यही फॉर्मेट अनप्रश्न के लिए भी अपनाना है, चाहे वो एडवर्ड सेकेंड ही क्यों ना हो, कुछ नहीं करना, केवल और केवल आप ऊपर में इंट्रोडक्शन लिखना, और जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन होगा उस टॉपिक से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन में आपको पीडीएफ में बताया हूँ उस इंट्रोडक्शन को लिखोगे। और उसके बाद देखो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्ले एडवर्ड सेकंड, तो सेम इसी चीज़ को लिख के और अंडरलाइन करके और पूरे समरी को लिख दो, हो गया। या फिर अगर पूछे इवेलुएट एडवर्ड सेकंड एज अ ट्रेजिक प्ले, तो इसी को लिख करके अंडरलाइन करके समरी लिख दो, फिर भी ये हो गया। कुछ भी पूछे, लेकिन याद रखना कैरेक्टर वाले में ये सब बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि कैरेक्टर में अगर ये लिख दोगे ना तो अगर ढंग से पढ़ेगा तो आपको 5 नंबर 10 नंबर भी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ये मत करना, कैरेक्टर वाले में इसका आंसर मत लिखना। और एक चीज़ और याद रखना, कैरेक्टर वाला जो प्रश्न होगा ना वो अथवा करके होगा, जैसे मान लीजिए कोई चौथा प्रश्न आएगा तो एक ऊपर वाला पहला प्रश्न जो होगा ना वो नॉर्मल प्रश्न होगा, और उसके बाद और करके जो होगा ना वो कैरेक्टर वाला क्वेश्चन होगा। जैसे देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है राइट ए नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले शेक्सपियर, तो आप सेम यही लिख दो टाइटल ऑफ द प्ले शेक्सपियर, और इतना लिखने के बाद इस प्रकार से आप अंडरलाइन कर दो, और ऊपर में तो इंट्रोडक्शन लिखे रहोगे, और इसको अंडरलाइन करके आप जो समरी याद की हो उस समरी को लिख दो, हो जाएगा। बस केवल और केवल आपको इतना करना होगा, और इतना करने से ही आप लोग 17 चौक 68 मार्क्स में से आप 60 मार्क्स 55 मार्क्स कन्फर्म ला लोगे उतना, अगर थोड़ा डिटेल में जो चीज़ मैं कह रहा हूँ अगर उसी को और उसी फॉर्मेट में लिखोगे जिस फॉर्मेट में अगर पीडीएफ में है उसी फॉर्मेट में लिखते हो तो कन्फर्म आपको अच्छा मार्क्स जरूर आएगा, 50+ मार्क्स ही आएगा इस चारों प्रश्न में। और इस चारों प्रश्न में अगर आपको 50 मार्क्स आ गया, एक्सप्लानीशन 32 मार्क्स का होता है, 32 मार्क्स में से आप अगर हाफ मार्क्स ही लाते हो, 16 मार्क्स ही लाते हो, फिर भी आपका 70% के आसपास एवरेज बन जाता है। और लिटरेचर में 65% से क्रॉस करना भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड परसेंटेज माना जाता है, क्योंकि लिटरेचर है, यहाँ पे नंबर कटने का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा वहाँ पे नंबर कट जाएगा, राइटिंग आपका अच्छा नहीं है तो वहाँ पे भी कटेगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके अब राइटिंग पे फोकस दो, क्योंकि राइटिंग आपका स्कोर बहुत हद तक बढ़ा देगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा हूँ कि वो केवल और केवल रट के जाते हैं लेकिन उसका राइटिंग जो है ना बड़ा गजब है, और उसके चक्कर में वो अच्छा मार्क्स ला लेते हैं। अगर राइटिंग आपका अच्छा है और जो मेरे पीडीएफ में कंटेंट है अगर उसको आप लिख के आते हो ना, तो मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ 80 से कम नंबर नहीं लाओगे कोई भी पेपर में,
केवल और केवल आपका राइटिंग खूबसूरत होना चाहिए। और जो चीज़ मैं पीडीएफ में दिया हूँ, पीडीएफ से ना तो एक्स्ट्रा कुछ आपको करना है और ना उससे कम करना है, क्योंकि पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, आप आसानी से वहाँ पे बेहतर कर सकते हो। और पीडीएफ यही है, आप लोग देख रहे होंगे पेपर 3 का जो पीडीएफ है वो टोटल 28 पेज से मिलकर बना हुआ है, और पेपर 4 का जो पीडीएफ है ये 36 पेज से मिलकर बना हुआ है, सफिशियंट है। इसको लेने के बाद आपको कोई भी गेज पेपर या फिर बुक किसी भी प्रकार का मटेरियल का जरूरत नहीं होगा। इसको लेने के बाद बस आप स्क्रीन पे जो नंबर्स डिस्प्ले हो रहा है उस पे और केवल व्हाट्सअप कर देना आप, अगर आपको ये पीडीएफ लेना हो फिर, अदरवाइज आप लोग ढंग से पढ़ना और जो जो चीज़ मैं आपको बताया उस पे थोड़ा फोकस करना, आप लोग अच्छा मार्क्स जरूर लाओगे। थैंक यू सो मच।